कैसे हो आप लोग, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू न्यू सीरीज़। अभी मैं हूँ बनारस में। यहाँ ये जगह के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, कोई काशी कहता है, कोई वाराणसी कहता है, कोई महादेव की नगरी। ये नगरी खुद महादेव ने बनाई थी ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। जो सबसे पहले जो सिटी बना था वो ये था वाराणसी। अभी ये सिटी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे लोग का खाना पीना रहना और गंगा आरती करना डेली सुबह शाम और काशी विश्वनाथ टेंपल, वो सब हम लोग देखने वाले हैं और बहुत अच्छे से घूमेंगे। अपना आज है पहला दिन, एक्सप्लोर करते अच्छे से और घूमना है। और अभी मैं हूँ 80 घाट पे। ये घाट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पर अभी दोपहर का टाइम है उसके लिए आपको कोई दिखेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है, सुबह शाम ये जगह है। यहाँ पे भी पूरी जगह पे गंगा आरती होती है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और आज मेरा पहला दिन है। यहाँ से देखते हैं आगे क्या क्या कैसे कैसे करना है, वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।
लेफ्ट साइड में रात को आया था, वो मेन कॉरिडोर का एंट्रेंस है, और यहाँ से ऐसे चल रहा था मैं चल रहा था, और अभी ये रश देखो, माय गॉड। ये मंदिर के अंदर जाने का एंट्रेंस है, और ये सबसे डेंजर वाला अभी मणिकर्णिका का घाट। मैं रात को यहाँ पे आया था, कुछ अलग एनर्जी है वहाँ पे, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैं ज़्यादा अंदर अंदर नहीं गया। तो अभी हम लोग वापस उस तरफ आ रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर जाने के लिए भीड़ है। ये सिर्फ एक गेट है, ऐसे चारों और गेट है, चार पांच गेट, वो सब में ऐसी भीड़ होती है। मुझे ये शॉप मिल गया, तो हमें दो दोस्त भी मिले हमारे, ये लोग भी हमारे जैसे वीडियो भी बना रहे हैं, लस्सी पीने भी आए। आप लोग कहाँ से आपका क्या नाम है? मेरे चैनल का वंडरलेस भावेश। ये है ड्राई फ्रूट लस्सी अपनी, इनकी भी आ गई, हम आपने भी वही मंगाई है, हमने भी यही मंगाई है। चलिए शुरू करते हैं। स्वाद तो अलग है।
मजा आ गया, थैंक यू। अब मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ ना, हर दिन यहाँ पे आऊँगा, हर दिन के लस्सी पीने। इतनी टेस्टी थी, कुछ यूनिक था, और वहाँ का जो वाइब है, जो एम्बियंस उन्होंने क्रिएट किया है, वो उसी पे भी अच्छा लगता है। और टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावट है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल नाइस, आई लाइक इट। जितना सोचा था उससे काफ़ी अच्छा लगा। वापस आएंगे। बाहर निकलने के बाद ही ये देखो, यहाँ पे ऐसे शोर शराबा रहता है। और आज है ना मंडे, अभी पता नहीं ये पूरा वीक छुट्टी जैसा माहौल है उसके लिए गर्दी है या हर बार है। मैंने 3-4 लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि हर दिन यहाँ पे ऐसे ही गर्दी रहती है। तो आपको अगर ब्लू लस्सी पीना है और मणिकर्णिका घाट जाना है, तो आपको कहाँ से कौन से गली के अंदर जाना है वो बताता हूँ। ये मेरे सामने, आपको अगर ब्लू लस्सी पीना है और यहाँ से मणिकर्णिका घाट जाना है, तो आप ये वाला रास्ता अपनाइएगा और यहाँ से लेफ्ट लेके जाइएगा, तो आपको रास्ते में ब्लू लस्सी भी मिल जाएगी और आगे जाके एंड मणिकर्णिका घाट होगा। बनारस का पान अभी हम लोग खाने वाले हैं। अंकल को बोला कि एक पान खिलाओ जिसमें नशा ना हो, ऐसा मीठा टाइप पान। हमारे यहाँ पे तो मीठा पान कहते हैं, यहाँ पे भी मीठा पान ही कहते हैं। कितने का है अंकल? ऐसे पकड़ू मैं आपको। तो लक्ष्मी चाय वाले के वहाँ पे मलाई टोस्ट और चाय पीने के बाद मज़ा आ गया। अभी हम लोग एक हिडन शिवलिंग ढूंढ रहे हैं जो एकदम ज़मीन के अंदर है, तो देखते कैसे मिलती है, कैसे जाना है। तो ऐसे गलियों में घूम रहा हूँ मैं। छोटी छोटी गली है, इसमें वॉल आर्ट भी किया है,
और गाड़ी भी जा रहा है, छोटा छोटा ऐसा गाड़ी भी जा रहा है, एक्टिवा भी जा रहा है, सब जा रहा है। बहुत खूब गली है। बहुत सारे वॉल आर्ट देखे, बहुत सारे भगवान के पेंटिंग वॉल आर्ट, बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखूंगा मैं। ये यही फोटो मैं देख रहा था और इसमें शिवलिंग दिखता है। ये बहुत साल पहले यहाँ पे वो आक्रमण के टाइम ये शिवलिंग को तोड़ने वाले थे, तो पहले के राजाओं ने ये शिवलिंग एकदम अंदर था तो उसके ऊपर घर बना दिया। तो अभी वो डीप है, यहाँ पे लोग देखते हैं, देखने आते हैं शिवलिंग इतना अंदर। और दर्शन करते हैं और यहीं से जल चढ़ाते हैं। दर्शन हो गए हिडन शिवलिंग के, जो ज़मीन के अंदर थी और नाग देवता दिख रहे थे और उसके अंदर नीचे शिवलिंग थी।